बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम मानव मन की दो समस्याओं के बारे में बताएंगे जो अगर मानव के मन में हो, किसी के मन में रहती हो, तो उस व्यक्ति का पतन होना, उस व्यक्ति का नुकसान होना निश्चित होता है। आज बात करेंगे ईर्ष्या की और बात करेंगे अहंकार की। ईर्ष्या होने से किस तरह की मुश्किलें होती हैं और अहंकार करने से कैसे किस्मत खराब हो जाती है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि किसी व्यक्ति के मन में कब ईर्ष्या का जन्म होता है। देखिए, कुंडली में चंद्रमा और बुध की स्थिति ईर्ष्या के बारे में बताती है। इसके अलावा कुंडली का चौथा खाना चतुर्थ भाव और सातवां खाना यानी सप्तम भाव भी ईर्ष्या से संबंध रखता है। अगर चंद्रमा दूषित हो, चंद्रमा खराब हो, याद रखिए कमजोर नहीं, चंद्रमा अगर खराब हो तो ईर्ष्या का जन्म होता है। और ईर्ष्या करने से हमेशा आदमी को खुद को ही नुकसान होता है। बुध की गड़बड़ी होती है तो ईर्ष्या भी होती है और मन में खराब और बुरी भावनाएं भी आती हैं और इस ईर्ष्या में व्यक्ति दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। जिनका शनि भी खराब होता है चंद्रमा के साथ, ऐसे लोगों के अंदर ईर्ष्या लंबे समय तक बनी रहती है, वो दूसरों को देखकर जलते रहते हैं। लेकिन अगर कुंडली में बृहस्पति अच्छा है, शुभ है आपका, तो हो सकता है कभी ईर्ष्या आ भी जाए तो बृहस्पति इस ईर्ष्या को नष्ट कर देते हैं। अब मान लिया ईर्ष्या की भावना मन में बार बार आ जाती है, तो इस ईर्ष्या की भावना को समाप्त कैसे करें? देखिए, शुरू से ही गायत्री मंत्र जप करने का अभ्यास करें, साथ ही साथ अपने आहार पर, खान पान पर विशेष ध्यान रखें। एक सोने का या पीतल का छल्ला तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में धारण करें। नियमित रूप से पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें और पीपल के वृक्ष के नीचे नियमित रूप से बैठने का अभ्यास करें। नियमित रूप से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके प्रार्थना करें, साधना करें, उपासना करें, तो आपका मन शुद्ध होगा और ईर्ष्या से मुक्ति मिलेगी। अब ये जानते हैं कि कौन से ग्रह अहंकारी बनाते हैं और ज्योतिष और अहंकार का क्या संबंध है। देखिए, अहंकार जो है ये मन से जुड़ा हुआ मामला है। मन से आगे बढ़कर अहंकार व्यवहार तक भी पहुंच जाता है। हर ग्रह अपनी तरह का अहंकार पैदा करता है, लेकिन अहंकार में सबसे बड़ी भूमिका बृहस्पति और चंद्रमा की होती है। बृहस्पति व्यक्ति को परम अहंकारी बनाता है। अन्य ग्रहों के साथ मिलकर के ये विभिन्न अहंकार पैदा करता है। ऐसा भी देखा गया है कि कभी कभी पुखराज आप पहन लें और आपको सूट ना करे तो भी अहंकार पैदा हो जाता है। हर तरह का अहंकार विशेष तरह की समस्या पैदा करता है, इस बात को याद रखिए। क्योंकि जब आप जिस चीज का अहंकार करते हैं, ईश्वर वही चीज आपसे छीन लेता है। अब अगर आपको अहंकार की समस्या है तो इस अहंकार की समस्या को कैसे दूर करेंगे? रोज सवेरे उठने के साथ अपने बड़ों के चरण स्पर्श करना शुरू करिए। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सूर्य के सामने गायत्री मंत्र का कम से कम 27 बार जप करिए। आप चाहें तो हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। और अगर अहंकार की समस्या है आपकी, तो पन्ना और पुखराज धारण करने से बचिए। सप्ताह में एक बार अन्न का, वस्त्र का किसी निर्धन व्यक्ति को दान करिए तो आपको लाभ होगा। तो आज हमने ईर्ष्या और अहंकार की बात की, अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपका बच्चा परीक्षा के पहले घबरा जाता हो, नर्वस हो जाता हो, तो क्या उपाय करेंगे? बच्चे के स्नान के जल में एक चम्मच नमक डालिए, उस जल से बच्चे को स्नान कराइए। बच्चे के साथ नियमित रूप से बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़िए, बच्चे को हनुमान चालीसा पढ़ने की आदत डलवाइए
और बच्चे को रोज सुबह तुलसी के दो पत्ते मिश्री के साथ खिलाइए। बच्चे की दाहिनी कलाई में किसी भी मंगलवार को लाल कलावा बांध दीजिए, इससे आपके बच्चे को लाभ होगा।